अभी मॉडर्न एज में कॉमन डिजीजेस कौन सी है? ऐसी डिजीजेस जो कॉमनली आप सोसाइटी में देखते हैं, ऐसी कौन सी डिजीजेस है जो सोसाइटी में काफी कॉमन है? हाइपरटेंशन के अभी पेशेंट देखते हैं टाइफाइड आप, चल रहा है, कौन सा है ना? हाइपरटेंशन, हाई बीपी के पेशेंट शुगर, यस देखते सर, हैं, है ना? यस, शुगर के हाई पेशेंट बीपी, देखते हैं आप, डायबिटीज, है ना? जी और सर, यस सर, और और क्या डिप्रेशन के पेशेंट, बोलते इसको, डिप्रेशन, डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन की प्रॉब्लम है डिप्रेशन, जिनको, जो तनाव है, ठीक यस सर, है? और एक और कॉमन डिजीज है, इसका नाम है फैटी लिवर। नाम सुना है आपने? फैटी जी, लिवर बहुत कॉमन डिजीज है। हमारी कंट्री में सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि लगभग 30% लोगों को फैटी अच्छा, लिवर का प्रॉब्लम होता है। उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो इनिशियल फेजेस होती हैं, इसमें सिम्टम्स के आधार पे इसको जज नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्योंकि सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं और आगे चल के ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और सिरोसिस में पेशेंट की जान भी जा सकती है, और इस स्टेज में फैटी लिवर डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज है, नाम से ही पता चल रहा है, लिवर और फैटी। फैटी खराब, मतलब क्या होता है? मोटा, है ना? मोटा, अब ओबेसिटी, व्यक्ति यदि अपनी डाइट में लिपिड ज्यादा सूजन आ कंज्यूम करेगा, ठीक है, लिपिड ज्यादा कंज्यूम करेगा, जाना, तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है? हाइपर लिपिडेमिया का मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा। और ये कैसे पता बढ़ना, चलता है कि लिपिड बढ़ गया है? इसके लिए हम क्या करवाते हैं? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, सैंपल कलेक्ट करते हैं और हम उसमें एनालाइज करते ट्राइग्लिसराइड्स, हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या है, लिपिड का लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, एलडीएल क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन सब के लेवल को हम एनालाइज करते हैं, जिससे हमें फैटी लिवर का पता चल सकता है। तो पैथोलॉजी में यदि आप ब्लड देते हो और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हो और उसमें यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, लिपिड की जो प्रोफाइल है उससे हम पता लगा सकते हैं किसी मरीज को फैटी लिवर है या नहीं। और फैटी लिवर यदि अनट्रीटेड होगा तो आगे चल के हाई बीपी हो सकता है, यस क्योंकि ये जो एक्सेस सर, यस एक्सेस सर, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये कहाँ डिपॉजिट होगा? हमारी जो आर्टरीज होती है, आर्टरी की जो हाँ इनर वॉल है, जिसको हम एंडोथीलियल कहते हैं, एंडोथीलियल पे यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। यस और यदि यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो यहाँ से जो ब्लड बह रहा है, ठीक है, वो ब्लड यहाँ पर एडिशनल प्रेशर डालेगा, जनता, है ना? हाँ सर, और ये प्रेशर यदि बढ़ेगा तो इसी प्रॉब्लम को तो हम हाई बीपी कहते हैं। तो यदि फैटी लिवर अनट्रीटेड होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाई बीपी का प्रॉब्लम, ठीक है? हाई अब ध्यान से सुनना, यदि यदि मैं पानी में शक्कर डाल दूं तो पानी गाढ़ा होगा या नहीं? दासनी बनाते हैं हम लोग, गुलाब जामुन होता खाते हैं, गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है उसमें हम है, यस पानी को गर्म सर, करके शक्कर मिला देते हैं, गाढ़ी हो जाती है वो, है जी ना? सर, यस, हमारी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मिनरल विटामिन ये सब कंज्यूम करते हैं। यदि हम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन बढ़ा देंगे तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या बनेगा? ग्लूकोज। और यदि ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ेगा तो ये कौन सी डिजीज है? डायबिटीज। डायबिटीज, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज, यदि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो हमको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज की डायग्नोसिस कैसे होती है? यूरिन टेस्ट से हो जाएगी, ठीक है, या तो ग्लूकोमीटर से टेस्ट, हो जाएगी, या तो ब्लड टेस्ट ब्लड कर सकते टेस्ट, हैं हम, ठीक है? तो खाना खाने के बाद और खाली पेट का शुगर लेवल हम चेक कर सकते हैं, पहले, यस, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? शुगर। और बीपी का रीजन क्या बताया मैंने आपको? बीपी का रीजन है हाइपरलिपिडेमिया, ठीक फैटी, है? फैटी, इसकी वजह से थ्रम्बस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो कहीं कोई वेजल चोक भी हो सकती है ना? यदि कोरोनरी आर्टरी चोक हो जाएगी तो चेस्ट में पेन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइना जी पेक्टोरिस।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां हमारी डाइट से एसोसिएटेड है, हमारे खान पान से जुड़ी यस सर। है ना। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा मीठा खाता है, गुलाब जामुन उसको बहुत पसंद है, तो क्या उसको शुगर होने की संभावना है आगे चल के, फैटी लिवर होने की संभावना है उसको आगे चल के? बिल्कुल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से अल्कोहल बॉडी में बनता है। तो चार गुलाब जामुन खा लो या दारू पी लो, एक ही बात है। कई लोग हैं बोले साहब हम तो दारू नहीं पीते, हमको क्यों हो गया फैटी लिवर। एक मरीज आया बोले सर मैं दारू नहीं पीता फिर भी मुझे फैटी लिवर हो गया, हो सकता है वो गुलाब जामुन खाता हो। अब उसकी काउंसलिंग की तो पता चला कि उसको मीठा बहुत पसंद है, 10 10 गुलाब जामुन खा लेता है वो। सोचो 10 गुलाब जामुन से उसको एक क्वार्टर का नशा हो जाता होगा, क्यों नहीं होगा उसको फैटी लिवर, है ना। एक मरीज से पूछा कि भाई ड्रिंक करते हो, तो बोले ओकेशनली, बोले जब सिगरेट पीता हूँ तभी ड्रिंक करता हूँ। मैंने कहा सिगरेट कब पीते हो, तो बोले जब बोर होता हूँ। तो मैंने कहा बोर कब कब होते हो, तो बोले लगभग रोज। तो रोज बोर हो रहा है, रोज सिगरेट पी रहा है, रोज ड्रिंकिंग कर रहा है, फैटी लिवर होगा। यदि एल्कोहल कंजप्शन की वजह से फैटी लिवर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक फैटी लिवर। क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक फैटी लिवर। अलग और यदि कोई अल्कोहल ना पीता हो और उसको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो तो हम उसको बोलेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। दो प्रकार के होते हैं। अल्टीमेटली कोई बहुत मीठा खाए तो मीठे के मेटाबॉलिज्म से भी बॉडी में अल्कोहल ही बनता है ना। तो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। तो ज्यादा मीठा खाने से सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल से फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम आती है। सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है, ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खाना और काम ना करना, केवल रेस्ट करना, ना कोई एक्सरसाइज करना, ना वॉकिंग करना, ना स्कीपिंग करना, ना स्विमिंग करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। ओवर ईटिंग, नो एक्सरसाइज, इट विल कॉज फैटी लिवर। धन्यवाद। यही कारण है कि आज 10 में से 3 4 लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, और कुछ लोग को इनिशियल फेज पे है, और यही आगे चल के बीपी को, शुगर को, तनाव को, तनाव भी होगा, स्ट्रेस भी होगा। तो ये हमारा फैटी लिवर का प्रॉब्लम। हमारे ब्लड में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसका एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, फैट का एक्यूमुलेशन होगा हमारे लीवर सेल पे। और हमारे लीवर को हाउस ऑफ द एंजाइम कहते हैं। हमारा लीवर ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो मेटाबॉलिज्म करता है, और यदि लीवर कमजोर हो जाएगा तो हमें ना तो भूख लगेगी, ना तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमें वोमिटिंग हो सकती है, हमें लेथार्जी फील हो सकती है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम हमारी बॉडी में डेवलप होंगे, क्योंकि हर वो चीज जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है वो लीवर को क्रॉस करके जाती है। लीवर वो गेट कीपर है, वे डिसाइड करता है कि क्या खून में जाने देना है और क्या नहीं। अच्छा जब बच्चा पैदा होता है 2 3 किलो का होता है, बड़ा होता है, शेप एंड साइज बढ़ता है उसका, जो कुछ खाता पीता है उसके अंग लगता है वो। यस तो सर खाया पिया वो पेट में तो आया, लेकिन लीवर से होके ही ब्लड में गया, और जो चीज ब्लड में आएगी वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिल्कुल होगी। सर तो जो कुछ हम खाते पीते हैं वो पेट से लीवर में आता है अवशोषित होके होटल सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद लीवर को क्रॉस करके पूरी बॉडी में जाता है। हम कोई दवाई भी खाएंगे तो वो भी लीवर को क्रॉस करेगा, और दवाइयों का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में। और यदि किसी का लीवर डैमेज हो गया तो हम उसको कोई भी दवाई देंगे उस पर असर करेगी क्या, नहीं करेगी। तो नहीं दवाई को हमारा शरीर मेटाबोलाइज कर पाए इसके लिए लीवर का हेल्थी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर हाउस ऑफ द एंजाइम है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एंजाइम कौन बनाता है बताओ, लीवर लीवर लीवर। और लीवर यदि बीमार पड़ेगा तो एंजाइम बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। एंजाइम नहीं बनाएगा तो नहीं मेटाबॉलिज्म होगा क्या, नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा। हो सकता है जिसको फैटी लीवर हो उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाए,
उसके बाल झड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि तो उसकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये सब फैटी लीवर के लक्षण हैं। और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, स्कीपिंग करना, स्विमिंग करना, किसी फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को जोड़ना, अपने वेट को कंट्रोल करना। जो लोग मोटे हैं उनको फैटी लिवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मोटापा बीमारियों का घर होता है। ये देखो इसकी कमर का साइज, यदि कोई पुरुष है और उसकी वेस्ट का साइज 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, नाप के देखना कोई, तो उसको फैटी लिवर होने की संभावना है, वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगा। और वहीं पर यदि किसी फीमेल का 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये भी चिंता का विषय है। वेट लॉस करना जरूरी है, फैट लॉस करना जरूरी है। हमारे हाइट के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से हमारे बॉडी का वेट डिसाइड होता है। और जो लोग ओवरवेट है उनको फैटी लिवर होने की पॉसिबिलिटी है, उनको शुगर होने की पॉसिबिलिटी है, उनको हाई बीपी होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सब आईबीपी पॉसिबिलिटी किसकी वजह से आती है? मोटापे की वजह से। मोटापा किसकी वजह से आता है? ज्यादा ऑयली फूड खाने से, डालडा खाने से, तली हुई चीजें खाने से। और आज के टाइम पे तो इसके बिना काम ही नहीं चलता, पिज्जा बर्गर दिन रात ठुसाई चल रही है, और मोटापा बढ़ रहा है, तो बताओ शुगर बीपी के पेशेंट बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे तो हमें डाइट को कंट्रोल रखना है, ठीक है? हमें बैलेंस डाइट लेनी है, यस हमें ना तो कार्ब ज्यादा लेने हैं ना तो लिपिड ज्यादा लेना है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। यदि हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो शुगर हो जाएगा, यदि लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फैटी लिवर हो जाएगा, आईबीपी हो जाएगा। तो जो चीज हमें फायदा दे रही वही हमें नुकसान भी पहुंचा रही ना, क्यों? डिसबैलेंस की वजह से संतुलन बिगड़ गया। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का एक संतुलन होता है हमारे शरीर में, हमने उसको बिगाड़ लिया। कुछ लोगों को मीठा पसंद है, आदत से मजबूर मीठा ज्यादा खा रहे हैं तो शुगर होगा। कुछ लोगों को पिज्जा बर्गर फैटी चीजें ज्यादा पसंद है, जिससे हमें फैट मिलता है, तेल ज्यादा डालते हैं सब्जी में, तेल ज्यादा खाते हैं, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम होगी? हाई बीपी की। तो ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आईबीपी इसका हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। तो फैटी लीवर लीवर में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, स्टोर होगा कहाँ पर, डिपॉजिट होगा? हमारे लिवर सेल पर। और लिवर को हम क्या बोलते हैं? लिवर के जो सेल होते हैं उसको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है? और लिवर को हम हिपेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। और लिवर को जो आर्टरी, जो वेन्स ब्लड सप्लाई करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हिपेटिक पोर्टल, जिसके थ्रू लिवर को ब्लड की सप्लाई होती है। अब नेक्स्ट है लिवर में फाइब्रोसिस होना। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होगा? टिश्यू के स्कार्स बनेंगे, ऐसे ऐसे धब्बे बन जाएंगे लिवर में, और ये हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। यदि हम लिवर के इमेज को ध्यान से देखें तो हमें स्कार्स नजर आएंगे, टिश्यू में फाइब्रोसिस हो जाएगा और उसके स्कार्स बन जाएंगे और टिश्यू डैमेज होने लगेंगे। टिश्यू बनते हैं सेल से, हिपेटोसाइट सेल्स काम करना बंद कर देंगे। हिपेटोसाइट साइट सेल्स का काम क्या है? एंजाइम बनाना। तो ये बीमार पड़ेंगे तो एंजाइम बना पाएंगे क्या? अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे तो हमें लिवर पे स्कार नजर आएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगी, ये सेकेंड स्टेज है। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। लिवर के पास में क्या होता है? गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर में, गाल यस ब्लैडर कनेक्टेड होता है हमारे गैस्ट्रिक बैग से, तो जो एंजाइम से वो कौन बनाता है? लिवर बनाता है। और कहाँ रिलीज करता है? बनाता हमारे गैस्ट्रिक बैग में। और एंजाइम कहाँ से आते हैं? हमारे पैनक्रियास से, अग्नाशय से। पैनक्रिया में मैंने आपको बताया था ना, तीन टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या बनाते उल्टा हैं? बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। क्या बनाते हैं? इंसुलिन इंसुलिन। इंसुलिन अल्फा
बीटा अल्फा सेल क्या बनाएंगे? बीटा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन बनाएंगे। और डेल्टा सेल क्या बनाएंगे? सोमेटोस्टेटिन। तो ये जो इंसुलिन है इंटरेस्टिंग ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। और जब हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज से हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बीमारी क्यों हो रही है? एक्सेस में कंज्यूम करने से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट अवॉइड जी करना है, वो सर, तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस में नहीं खाना है। अति सर्वत्र वर्जयते, किसी भी काम में अति होगी तो बीमारी होगी। इंसान यदि बीमारी खाना होगी। खाएगा और संतुलित आहार लेगा तो स्वस्थ रहेगा, और ज्यादा खाना खाएगा तो बीमारी होगी। तो कम खाना खाने से पड़ेगा। भी बीमारी होती है और ज्यादा खाने से भी बीमारी होती है। कम खाएगा तो क्या बीमारी होगी? माल न्यूट्रिशन, बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमजोरी कमजोरी आएगी। आएगी, वीकनेस यस आएगी, सर, फटीग, थकावट आएगी, तो कम भी नहीं खाना। पानी भी पीना बहुत जरूरी है, हमें हाइड्रेटेड रहना है। यदि मेरा 70 किलो वेट है तो कम से कम मुझे 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन व्यक्ति इतना पानी पीता क्या? नहीं, काम में लगा है, पानी नहीं, नहीं पीता वो। तो बॉडी कभी हाइड्रेटेड रहती है क्या? कभार नहीं, मुहासे होंगे, पिंपल्स खाते होंगे, क्यों डिहाइड्रेट, हो रहे हैं? डिहाइड्रेशन की वजह से लूज मोशन लग गए, कॉन्स्टिपेशन कभी हो गया, जो पीसेज है वो काफी हार्ड बनेंगे, हो सकता है आगे चल के पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाए पानी न पीने की वजह से, क्योंकि खा रहे हो लेकिन पानी ही नहीं पी रहे हो। अभी आपने खाना खा लिया तो 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए ना, खाना खा लिया 3 घंटे तक पानी ही यस नहीं पी रहा सर, व्यक्ति, भूल तो क्या होगा? जाते तो भूलना नहीं है ना, भूल जाओगे तो फिर बीमारी होगी, बीमारी सर। होगी तो फिर तकलीफ होगी, तकलीफ होगी तो फिर कष्ट में कोई सो पाता है क्या चैन की नींद? और यदि मरीज सो ना पाए तो कौन सी दवाई नहीं, देते हैं उसको? सेडेटिव हिप्नोटिक बताया था ना, नींद सेडेटिव और हिप्नोटिक। की दर्द होगा तो कौन सी दवाई देंगे? NSAIDS। पेशेंट कह रहा साहब दर्द हो रहा है, क्या करो? उसको एक सेडेटिव हिप्नोटिक दे दो और रात में नींद आ जाए, इसलिए उसको सेडेटिव हिप्नोटिक दे दो नींद आ जाए, और एनसेड दे दो दर्द चला जाए, बस दोनों दवाई का कॉम्बिनेशन लिख देगा डॉक्टर। और एक पर्चे में यदि 2 से ज्यादा दवाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड मैंने बताया था, पॉली हाँ फार्मेसी, याद रखते पॉली हो? तब याद रखा करो, यदि स्क्रैप पर्चे में HX लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, DX लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, RX लिखा है तो क्या मतलब है, ये सब प्रीवियस क्लास में बताया था, रिवाइज किया आपने, सर। ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, RIP का मतलब क्या होता है? RIP यदि पर्चे में लिख के दिया डॉक्टर ने तो रेस्ट इन पीस, मरीज बढ़िया हिल स्टेशन जाए अपनी फैमिली के साथ और वहां पर हिल स्टेशन पे रेस्ट करे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की जो हवा होती है वो काफी शुद्ध होती है, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो सांस लेते हैं तो धुआं ही आता है, इसके अलावा अलावा तो कुछ आता नहीं है। अभी पॉल्यूशन नहीं। इंडेक्स एक सर्वे हुआ था तो बताया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली में तारे नहीं दिखते रात में क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से पूरा एक चरत जमा हुआ है पॉल्यूशन का। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन पूरे भारत में कहाँ बताया गया था? दिल्ली में बताया गया था। और जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, वहां अस्थमा होगा, COPD होगी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो जैसा हमारे आसपास का वातावरण रहेगा वैसी बीमारी इंसान को होगी। वातावरण यदि दूषित है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी, खान पान में यदि दोष है तो पेट की बीमारी, लिवर की बीमारी। ठीक है, और लिवर की क्या बीमारी है? सिरोसिस। हाँ, और लिवर की क्या जॉन्डिस, बीमारी है? सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? ये फाइनल स्टेज है फैटी लिवर की। सिरोसिस का ट्रीटमेंट काफी टफ होता है, सिरोसिस में सर्जरी करनी पड़ती है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, इसकी सर्जरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है।
ठीक है, तो फैटी लीवर से सिरोसिस तक का रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन जो लोग लापरवाही करते हैं वो यहाँ पहुंच ही जाते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, नहीं होती। यदि उसने पीना कंटिन्यू रखा तो सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको फैटी लीवर के बारे में? हाँ सर, यस सर। ये देखो यहाँ पर इस मोहतरमा को, इनके वेस्ट का साइज कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, तो इनको वेट लॉस करना चाहिए, फेट लॉस करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ये नहीं करेंगी तो इनको फैटी लीवर हो जाएगा क्या? हाँ यस हाँ, सर, हाँ ठीक है। यस अब ये देखो लीवर की हालत कैसी हो जाती है। ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला जो सर पिक्चर है, ये दिख हेल्थी हेल्थी लीवर का है, ठीक है, रहा नहीं। और ये वाला जो हाँ जी पिक्चर सर, है, हाँ जी ये सर, फैटी लीवर का है, बैठी और यहां पर आप देखो ये दिख रहा स्कार्स नहीं बन सर, गए, ये दिख रहे हैं आपको स्कार्स सर दिख रहा यहां पर, नहीं, आपको दिख स्कार्स रहा बन गए। नहीं, नजर नजर ही नहीं आ रहा ना, पिक्चर से नजर नहीं आ रही। यहाँ पर स्कार्स बन गए, ठीक है, दिख और नहीं ये रहा स्कार्स सर, किसकी वजह से सर बने दिख हैं? नहीं सर रहा। स्क्रीन हाँ में दिख रही ना सर, हेलो सर, नहीं दिख रहा स्क्रीन पर? दिख रहा ना नहीं दिख रहा। सर, अरे नहीं दिख रहा ना हेलो सर, बराबर, जिन लोगों को नहीं दिख रहा कोई दिख बात नहीं, रहा, लिंक हेलो सर, शेयर करूंगा उसमें देख लेना, उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है ओके सर, ठीक है ना, सर। हाँ क्या आप बोलिए। लोग ना सर वीडियो, देखो ये हमारे हेल्थी लिवर का इमेज है, ये फैटी लिवर का इमेज है, और यहां पर आप देखो एक्यूमुलेशन की वजह से सर फाइब्रोसिस हो गई है, स्कार्स का फॉर्मेशन हो गया है, ये इनिशियल फेज होती है फैटी लिवर डिजीज की। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर आप स्कार्स देख सकते हो। अच्छा, लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाएगा, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, और यदि लीवर का साइज बढ़ जाएगा तो हम इसको कौन सूजन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? हिपेटोमिगैली। मिगैली मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का स्वेलिंग की वजह से साइज बढ़ जाना, और यदि लीवर खराब होगा तो हो सकता है हमें खून की उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, यदि किसी को उल्टी में खून जी सर, आ रहा जी है, इसका मतलब हमें लीवर की जांच करने की जरूरत है कि कहीं उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो सर, ये फैटी लीवर का लक्षण हो गया, उल्टी आना। दूसरा, बार बार फीसेस पास करने जाएगा व्यक्ति। तीसरा, उसको भूख कम लगेगी। चौथा, खाना खाएगा तो वोमिटिंग जैसा आएगा, उसको फील लाइक वोमिटिंग होगा, नौजिया फील होगा उसको। ठीक है, तितली आएगी, चक्कर आएंगे, तो ये सब लक्षण है लीवर के कमजोर होने के। हाँ, डैमेज होने ये दिख रही है इमेज? के। यस सर, नहीं सर, नहीं दिख हमें रही नहीं दिख रही। नहीं सर, अब नो सर, दिख रही, नो सर, दिख नो रही, सर। दिख रही। सर वीडियो डाउनलोड है नहीं? रिकॉर्ड चल रही है। ये देखो इसमें से हेल्थी लीवर कौन सा है बताओ, ऊपर वो वाला यानी? मरून कलर का सर, ऊपर हाँ, वाला। वेरी गुड। ठीक है, सर ये वाला हेल्थी लीवर है और ये जी वाला बीमार लीवर है। सर, अब डैमेज ये पता कैसे चला हमें? अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड। लीवर का करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, है ना, एमआरआई कर सकते हैं। ये सब क्या होती है? हमारी डायग्नोस्टिक जी सर, टेक्निक, इसकी हेल्प से ऑर्गन की हालत देख लेते हैं। अब यहाँ देखो ये सब बबल्स आ गए, सूजन आ गई ना, फफोले पड़ गए, यस सर, ब्लिस्टर्स आ गए,
मतलब लीवर बीमार हाँ हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये इसकी स्टेजेस देखो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, और ये ये थर्ड, फोर्थ स्टेज। ये फोर्थ, फोर्थ स्टेज में क्या होगा, लीवर कंप्लीटली काम करना बंद कर देगा, और लीवर यदि काम करना बंद कर देगा तो मरीज का मरना तय है। या तो मरीज का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, है ना, लीवर ट्रांसप्लांट करना मतलब नया लीवर उसको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए डोनर की जरूरत पड़ेगी। यदि डोनर मिलता है तो ठीक है, पर नहीं मिलता है तो ऊपर जाने की तैयारी हो गया जाएगी, है ना। ये देखो, अब हम इसकी डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको बताया था, एक मिनट, है ना। लीवर की हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लीवर की डायग्नोसिस के लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है, अल्ट्रासाउंड हाइपरलिपिडेमिया, मतलब ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड का लेवल बढ़ जाना। वैसे कौन से फूड है जो हमें अवॉइड करना है, हमें अल्कोहल अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करना है, ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, ओवर स्ट्रेस अवॉइड करना है, ठीक है, हमें साल्टी फूड अवॉइड करना है, और हमें ट्रांस फैट अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सब हमें अवॉइड करना है। सर, अब साल्टी फूड क्यों वो मना किया जा रहा है, यदि सोडियम हमारी बॉडी में रिटेन होगा तो वाटर को रिटेन करेगा, और यदि वाटर जी रिटेन हाँ होगा, सर, वाटर यदि रिटेन होगा तो बॉडी में इडिमा कॉज हो सकता है। इडिमा क्या होता है, हाँ सर, बॉडी में स्वेलिंग आना, पैर में सूजन यदि आएगी तो पेडल एडिमा बोलते हैं। तो सोडियम आना। ज्यादा कंज्यूम करने से हाई बीपी के मरीज को प्रॉब्लम होती है या नहीं, हाई बीपी के मरीज को होती डॉक्टर कम नमक खाने के लिए कहता है ना, वैसे ही नमक फैटी लीवर के मरीज को भी कम नमक खाने के लिए कहता है, क्योंकि सोडियम की वजह से वाटर रिटेन खाने, होता है, और वाटर रिटेन होने की वजह से बॉडी में प्रेशर बढ़ता है। इडिमा तो कोमा के पेशेंट को भी कम नमक खाना चाहिए क्या, जी सर, ग्लूकोमा के मरीज को, ग्लूकोमा में भी तो प्रेशर बढ़ नहीं जाता है, ग्लूकोमा में 40 mm ऑफ HG, इससे ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना आंखों के अंदर, और जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, और ऑप्टिक नर्व यदि डैमेज होगी तो कौन सी डिजीज होगी, ग्लूकोमा, तो वो भी तो प्रेशर से रिलेटेड है ना, तो प्रेशर का प्रॉब्लम आता है तो नमक कम कर दो, है ना। और वहीं पर लो बीपी के पेशेंट को खाना चाहिए क्या नमक, हाँ खाना चाहिए सर, खाना चाहिए, हाँ उसको सर, खाना चाहिए, है ना, उसको खारा खाना खाना चाहिए, और जो हाई बीपी वाला है उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये इसके परहेज हो गए, है ना। दारू पीना तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, दारू लीवर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है ना। 90 ml तक व्यक्ति पिए, है ना, तो लीवर पचा सकता है, लेकिन व्यक्ति कम से कम एक क्वार्टर पीता है, मतलब 180 ml, लीवर की क्षमता से डबल, इसलिए तो लीवर डैमेज होता है। खराब हो जाए। यदि व्यक्ति हाँ 90 ml प्रतिदिन पिए तो वो तो दवा है, लेकिन वो 90 ml पीता नहीं है। वो कहते हैं ना, कुत्ते को खून मुंह लग जाता है तो फिर वो बार बार खून ही पीता है, तो वैसे ही जाता दारू की लत लग जाती है जिसको, उसको दारू ही चाहिए फिर, ठीक है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता है। तो ये इसके परहेज हो गए, ठीक है। लीवर पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो लीवर और फैटी और लीवर की जो डिजीज डिसऑर्डर है, जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन है उनके डिजीज डिसऑर्डर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं। ग्लूकोमा पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, हाई बीपी पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो इन बीमारियों का आपका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, इनकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी के कारण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या जियोलॉजी, होता है, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, फिजिकल, जिस्मानी,
बीमारी शरीर में स्टेप बाय टेस्ट। स्टेप कैसे डेवलप हो रही है और उस बीमारी से हमारी फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आए, हमारे शरीर में कौन से परिवर्तन आए, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? ब्रेडीकार्डिया टैकीकार्डिया क्या होता है? हार्ट बीट अगर 60 से अबव रहे हाँ टैकीकार्डिया, अगर कम रहे तो ब्रेडीकार्डिया, वेरी गुड। ऐसा समथिंग। सही कहा आपने। ठीक है, अब ये देखो हमें इससे बचाव क्या है। मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या फायदा होगा? यस मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा, हम शांत किसी रहेगा, पीसफुल स्टेट में रहेंगे, स्ट्रेस कम होगा, तो हमारी स्ट्रेस कम होने की वजह से बीमारी की रिकवरी जल्दी होगी हमारी। जो मेडिटेशन करता है उसके बीमार होने की संभावना कम रहती है। इसलिए मैं आपको हर बार सैकड़ों बार कहता हूँ, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज वर्कआउट करो। आसपास यदि कहीं जिम हो तो जिम ज्वाइन कर लो। इसलिए नहीं कि आपको सलमान खान बनना है, इसलिए कि आपको फिट रहना है ना? थोड़ा जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, यस मॉर्निंग वॉक करो, क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा इन्वायरमेंट। ये तीनों चीजों को सुधार लो तो बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी कम पड़ जाएगी। तो मेडिटेशन, दूसरा एक चीज और है, करेले का जूस किसको पसंद है भाई? करेले का जूस किसी को किसी नहीं, को नहीं है पसंद, हम पे सर हमें पर करेले का जूस है बहुत अच्छी पसंद, दवाई नहीं होती पसंद है। सर सब डेली करेले का जूस पिया करो। करेले की सब्जी पसंद है सर। डायबिटीज अच्छा के लिए ना, हाँ, डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छा है। कोकोनट के ऑयल में खाना बनाया करो, है ना? साउथ के लोग हेल्थी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो कोकोनट के ऑयल में ही खाना बनाते हैं। और आपको क्या करना है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। कुछ आसन आप कर सकते हो, पवन मुख आसन है, मत्स्येंद्र आसन है, मछली के समान आकृति वाला। ये तो आसन करने से भी आपका फैटी लिवर काफी हद तक ठीक हो सकता है। किसी भी डिजीज को हम फार्माकोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं।